अभी तक प्लगइन्स को तो आपने समझ लिया, आपने प्लगइन्स को देख भी लिया कि कैसे प्लगइन्स से आप पैसे बना सकते हैं. बट बी वेयर, बिकॉज टू लर्न टू मेक मनी विद प्लगइन्स यू नीड टू लर्न वर्डप्रेस स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज, वो लैंग्वेजेस जिनको सीख के, समझ के, जिन फ्रेमवर्क्स पे काम करके आप पैसे बना सकते हैं. एंड दोज लैंग्वेजेस आर PHP एंड MySQL. सो जैसे ही कुछ लैंग्वेजेस हैं जो वर्डप्रेस को पावर करती हैं, इसी तरह कुछ और लैंग्वेजेस हैं जिनको यूज़ करते हुए आप वर्डप्रेस की थीम्स को बना सकते हैं. और जैसे आपने प्लगइन्स बनाने को सीखा, जैसे आपने सीखा कि वर्डप्रेस के प्लगइन्स बना के मार्केट प्लेसेस पे कैसे आप सेल करके पैसे बना सकते हैं, उसी तरह से, इसी सिंपल तरीके से आप थीम्स भी बना सकते हैं. द लैंग्वेज that you will use to make themes, उन languages का नाम है HTML and CSS, Hyper Text Markup Language and Cascading Style Sheets. So ये चार languages together, PHP, MySQL, HTML and CSS, make the whole system of the WordPress CMS or the WordPress content management system as we know it. तो अब आते हैं उस फोकस पे, उस टॉपिक पे जिसका नाम है WordPress making money by selling and making themes. तो themes होती क्या है? थोड़ा सा recap हमेशा ज़रूरी रहता है और अच्छा भी रहता है. So recap ये है कि themes let you change the appearance of a WordPress website. Plugin से किस तरह themes different होती है? Themes let you change the appearance. Plugins in most cases do not let you change the appearance of your website, jabki content remains same. So WordPress ki jo ek badi zabardast functionality as a CMS is that you can use themes to change the whole appearance, but content will always remain the same. And you don't need to learn to code agar aapne nayi theme dalni hai. Ha, अगर आपने नई थीम बनानी है और उसको सेल भी करना है, तो यस, यू नीड टू लर्न हाउ टू कोड. एग्जांपल्स बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके फोन्स होते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट थीम्स होती हैं, वैसे ही थीम्स लेट यू चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर वेबसाइट. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ थीम डेवलपर कि आपके साथ कोई डिजाइनर भी काम करे. इसीलिए जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है, भाई ये सारा काम अकेले नहीं हो सकता. दिस इज थीम वर्क, दिस इज ऑल्सो टीम वर्क. थीम वर्क तभी होगा जब टीम वर्क होगा. सो थीम्स बनाने के लिए आप खाली एज अ डेवलपर आपकी एक्सपर्टीज काफी नहीं है. यू नीड टू ऑल्सो वर्क विद अ डिजाइनर हु विल टेल यू कि किस तरह की डिजाइन की थीम आपने बनानी है और उनको किस तरह से सेल करना है और किस तरह की ऑडियंसेस को टारगेट करना है. सो थीम्स के बारे में ये तो कुछ हो गया, और हमें पता है कि अपीयरेंस और थीम्स का जो सेक्शन है वर्डप्रेस में, वहाँ से आप थीम्स को चेंज कर सकते हैं. लेकिन वर्डप्रेस से ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड हूँ आपको बताने में उन वर्डप्रेस हीरोज़ का जिन्होंने डेवलपमेंट या डिज़ाइन या वर्डप्रेस को किसी भी तरह से यूज़ करके अपनी ज़िंदगी तो बदली, बट इस तरह बहुत सारे लोगों की इर्द गिर्द ज़िंदगी बदली. और इसी तरह के एक हीरो हैं हमारे साथ, हारिस, मोहम्मद हारिस. सो हु इज़ मोहम्मद हारिस? मोहम्मद हारिस इज़ समवन हु कैन बी टर्म्ड एन एंटरप्रेन्योर, अ फ्रीलांसर एज वेल एज अ स्मार्ट वर्कर. मोहम्मद हारिस ने एक ऐसी थीम बनाई जो कि दुनिया की
सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली और सेल होने वाली थीम है, जिसका नाम है अवाडा। व्हाट इज़ अवाडा? अवाडा इज़ अ वर्डप्रेस थीम दैट हैज़ बीन सोल्ड टू मोर देन हाफ अ मिलियन कस्टमर्स एंड इन टोटल। सो इस थीम ने ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए जनरेट किए हैं अभी तक, विच इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू वर्डप्रेस। और ये हमारे इस नौजवान, पाकिस्तान के नौजवान मोहम्मद हारिस ने अपनी टीम के साथ किया मिलके, जिस टीम का नाम है थीम फ्यूजन। इनकी कंपनी का नाम है थीम फ्यूजन। एंड व्हाई डू आई कीप टेलिंग यू दीज लोकल स्टोरीज इज बिकॉज जब भी हम एंटरप्रेन्योरशिप सीखते हैं तो हमें एग्जांपल्स दी जाती हैं बाहर के आइकन्स और बाहर के लोगों की, जबकि असल आइकन्स, असल सुपर हीरोज ये लोग हैं, पीपल लाइक मोहम्मद हारिस हु हैव चेंज देयर लाइफ एंड हु आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू चेंज द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल आउट देयर। तो आप कहेंगे सात भाई आपने इंस्पायर तो कर दिया है, आप ज़रा ये भी बता दें कि कैसे हम वर्डप्रेस के थीम्स बना के पैसे बना सकते हैं। सो हाउ कैन वन मेक मनी बाय मेकिंग थीम्स? सो सेलिंग वर्डप्रेस थीम्स is a very lucrative business. ये एक ऐसा business है which has existed for almost a decade now. 10 सालों से लोग WordPress की themes बना रहे हैं और उन themes को एक profitable venture के तौर पे sell कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि WordPress की theme बनाना, एक ही theme बना के उसको sell कर देना is not that easy and not that simple. ये नहीं कि आज आप जाएंगे कल theme बनाएंगे और परसों वो मेहरान जो आपके पास है वो मर्सिडीज बन जाएगी। इतना आसान तरीका नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह प्लगइन्स को बनाना, सीखना और उनकी लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है, इसी तरह थीम्स आर इवन मोर कॉम्प्लेक्स। और थीम्स की जो दूसरी एक चीज़ है वो ये भी है कि थीम्स हैव मोर कॉम्पिटिशन। थीम्स डू नॉट बिकम हिट ओवरनाइट, क्योंकि आपने देखना है कि किस तरह की टारगेट मार्केट को आपने अप्रोच करना है और वो आप किस तरह करेंगे, बाय नोइंग योर बिजनेस मॉडल। नोइंग योर बिजनेस मॉडल इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशल अगर आपने वो सही थीम बनानी है जो आपकी ऑडियंस के साथ क्लिक कर जाए। और साथ ही साथ थीम्स में एक और पॉइंट जो देखने वाला है वो ये है कि थीम जब आप बनाएंगे तो प्रीमियम थीम्स की प्राइस इतनी ज़्यादा आप नहीं रख सकते, उसकी एक एवरेज प्राइस होगी विच कुड बी एनीवेयर फ्रॉम $30 टू $60। उससे ज़्यादा अगर आप उसकी प्राइसिंग रखेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सेल इट। सो डू नॉट एक्सपेक्ट टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। इस इंडस्ट्री के कुछ प्रोज के वर्डप्रेस इज ओपन सोर्स, और चूंकि ये ओपन सोर्स है आप बड़ी आराम से थीम्स बनाना सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इट्स पॉपुलर, मोर देन 30% ऑफ द इंटायर इंटरनेट यूजेज वर्डप्रेस। भाई अगर इतनी ज़्यादा मार्केट है तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा होगा, और कॉम्पिटिशन ज़्यादा है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सही आइडियाज़ पे फोकस करना पड़ेगा जिससे आप थीम्स बेच सकते हैं। और साथ ही साथ एक लर्निंग कर्व है, दैट लर्निंग कर्व इज समथिंग दैट विल टेक यू सम टाइम टू बिल्ड द राइट वर्डप्रेस थीम। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। लेकिन वर्डप्रेस थीम अगर बन भी गई तो बेचेंगे कहाँ? उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका नाम मैं आपको बताना जा रहा हूँ। वन इज थीम फॉरेस्ट। इट्स द बिगेस्ट वेबसाइट ऑन द इंटरनेट बाय द इन्वेटो ग्रुप, जिससे आप वर्डप्रेस की थीम्स खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। और जो मैंने आपको वर्डप्रेस के सुपर हीरो की स्टोरी मोहम्मद हारिस की बताई थी, उन्होंने भी अपनी थीम को यहाँ पे डाल के $10 million कमाए। आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे भी बेच सकते हैं और आप मोजो मार्केट प्लेस पे भी बेच सकते हैं। ये क्विक एग्जांपल है ऑफ अ थीम सेलर कॉल्ड WP Cube। और इनकी अगर आप चार्ट्स को देखें तो आपको नज़र आएगा कि इनकी ज़्यादातर सेल्स जो हैं वो प्लेटफॉर्म्स पर हो रही हैं, प्लेटफॉर्म्स लाइक थीम फॉरेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस थीम सेलिंग इज नो इजी बिजनेस, बट इट इज़ द राइट बिजनेस फॉर द पीपल विद द राइट स्किल्स। तो अब मैं आपको वो प्लेटफॉर्म दिखाना चाहता हूँ जिस पे
थीम सेल करके लोगों ने मिलियंस ऑफ रुपीस, बल्कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। इस प्लेटफॉर्म का नाम है थीम फॉरेस्ट। आप गूगल पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं, और जब आप थीम फॉरेस्ट को खोलेंगे तो आपको नज़र आएगा कि देयर आर मिलियंस ऑफ थीम्स अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बट वी आर मोस्ट फोकस्ड ऑन वर्डप्रेस एंड वी आर मोस्ट फोकस्ड ऑन वर्डप्रेस पॉपुलर आइटम। तो वर्डप्रेस पॉपुलर आइटम्स पे जाएंगे, आपको सबसे टॉप पे नज़र आएगा अवाडा। अवाडा द थीम दैट इज़ डिवेलप्ड बाय मोहम्मद हारिस, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, द प्राइड ऑफ द वर्डप्रेस कम्युनिटी। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि अगर हारिस ने ये थीम बना के अपनी ज़िंदगी बदली, तो आप भी एक दिन हारिस की तरह अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं विद वर्डप्रेस। प्लीज़ गो टू द इन्वेटो मार्केट प्लेस, स्पेसिफिकली थीम फॉरेस्ट, एंड वहाँ पे जाके स्टडी करें डिफरेंट थीम्स को, और देखें कि कैसे थीम्स बना के आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, और वर्डप्रेस की कम्युनिटी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू इंटरैक्ट विद अस, टू मीट अस, टू लर्न विद अस, एंड टू बिल्ड विद अस।